आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉज कॉइन के बारे में और डॉज कॉइन के जो लेवल्स हैं पूरा वन ईयर होने को आया, पूरा वन ईयर कंप्लीट हो गया लेकिन डॉज कॉइन के कोई हमको प्राइस पे इंपैक्ट पड़ता हुआ नहीं देख रहा। और कहीं ना कहीं इलॉन मस्क जो डॉज फादर हैं वो कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित हो रहे हैं, फ्लॉप होते हुए दिख रहे हैं इस टाइम पे। अगर आप देखोगे डॉज कॉइन को लेके कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, फिर से 11 रुपये पे आ चुका है और जो लेवल मई में दिखाया था, मई 2021 के अंदर जो क्रैश मई के अंदर आया था उसी क्रैश पे प्राइस पे फिर से डॉज कॉइन जो है आ चुका है। और डॉज कॉइन के लेवल्स बेहद ज़रूरी हैं, अगर शिबा इनू से टक्कर लेनी है, शिबा इनू से आगे निकलना है तो डॉज कॉइन को भी अपने लेवल्स जो है दिखाने पड़ेंगे। और किस तरह से लेवल्स दिखने वाले हैं, क्या डॉज कॉइन जो है एक बड़ा पंप लेने वाला है, इस पर डिस्कस करेंगे। और अगर हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें तो डॉज कॉइन का जब बुलरन शुरू होगा तो मुझे लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा और कहीं ज़्यादा बड़ा बुलरन हो सकता है, क्योंकि डॉज कॉइन काफ़ी टाइम से शांत है। अक्टूबर का महीना न्यू ऑल टाइम हाई का महीना रहा था लेकिन डॉज कॉइन ने तब भी वहाँ पंप नहीं दिखाया, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 रुपए पे ट्रेड किया, 20-25 रुपए से ऊपर गया ही नहीं है, 30 को क्रॉस इसने किया ही नहीं। वन ईयर से ज़्यादा टाइम हो चुका है ऑलरेडी और 55 इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है। उस टाइम ऑल टाइम हाई बनाया लेकिन उसके बाद जो डंप डॉज कॉइन के अंदर आया ना, काफ़ी टाइम से डंप है। और इस टाइम पे जो लेवल है वो बिल्कुल नीचे का लेवल है, बिल्कुल नीचे है। 2021 पे काफ़ी टाइम तक ट्रेड किया है डॉज कॉइन ने और इस टाइम पे काफ़ी अच्छा डिप के अंदर मिल रहा है और यही एक रीज़न है जो सिग्नल हमको मिल रहा है वेल्स की तरफ से। बाइनेंस स्मार्ट चेन की जो वेल्स हैं वो डॉज कॉइन को खरीद रही हैं, $46 मिलियन के जो है डॉज कॉइन उनके पास है। और ये चीज़ हमको काफ़ी टाइम से देखने को मिल रही है कि बाइनेंस स्मार्ट चेन की जो वेल्स हैं वो डॉज कॉइन को खरीद रही हैं और डॉज कॉइन की जो होल्डिंग्स हैं उनके पास बढ़ती जा रही है। तो ये एक सिग्नल भी हो सकता है कि इस साल डॉज कॉइन काफ़ी अच्छे लेवल दिखा सकता है, $1 का भी लेवल हो सकता है, 100 रुपीज़ का भी लेवल हो सकता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है। और इस टाइम पे काफ़ी डिप के अंदर मिल रहा है तो अगर आप डॉज कॉइन को लेना चाहते हो तो SIP कर सकते हो, 11-12 रुपये पे जो है थोड़ा थोड़ा डॉज कॉइन आप ऐड कर सकते हो और लेना तो लॉन्ग टर्म के लिए लेना ताकि अच्छे जो रिजल्ट हैं जब डॉज कॉइन का बुलरन शुरू हो तो आपको अच्छे प्रॉफिट हो। और कहीं ना कहीं डॉज कॉइन पंप लेता हुआ दिख सकता है क्योंकि इलॉन मस्क के पास भी डॉज कॉइन की होल्डिंग्स है और पूरा सपोर्ट इलॉन मस्क को करते रहते हैं। अभी थोड़ा सा फ्लॉप वाली चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं लेकिन जब पंप करना शुरू होगा, जब बुलरन शुरू होगा तो इलॉन मस्क के ट्वीट नहले पे दहला मारेंगे और कहीं ना कहीं जब डॉज कॉइन की हाइप बनेगी वॉल्यूम अच्छा आएगा क्योंकि इलॉन मस्क के जैसे जैसे ट्वीट आएंगे ना ये सब चीज़ें अगर होती हुई दिखेंगी तो डॉज कॉइन एक अच्छे लेवल को टच कर सकता है, हो सकता है 100 भी क्रॉस कर दे, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि डॉज कॉइन पंप तो ले सकता है और यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस कॉइन के अंदर पंप नहीं आएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ डॉज कॉइन का मार्केट कैप, ठीक है, $18-19 बिलियन पे अभी है और 11-12 नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है डॉज कॉइन। तो सबसे पहली चीज़ इस फैक्टर पे आप जो है फोकस कर लें थोड़ा। और अगर आप डॉज कॉइन को लेना चाहते हो तो एक आप जो है पहले अपनी रिसर्च डॉज कॉइन के ऊपर करो तभी आप जो है ऐड करने का डिसीजन अपने पोर्टफोलियो में लो। लेकिन अगर आप देखोगे डॉज कॉइन इस साल हमको अच्छे लेवल दिखा सकता है, पूरे चांसेस हैं जहां तक ये चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। बाइनेंस स्मार्ट चेन की वेल्स भी डॉज कॉइन की होल्डिंग्स ऐड कर रही हैं, उनका भी कहीं ना कहीं टारगेट होगा प्रॉफिट का, ठीक है, वेल्स भी प्रॉफिट के लिए ही ऐड करती हैं और डॉज कॉइन अभी अपने बिल्कुल लो लेवल पर है तो एक अच्छा बेनिफिट अगर आप डिप में डॉज कॉइन को लेते हो तो जब भी पंप करेगा, जब भी बुलरन स्टार्ट होगा तो अच्छा प्रॉफिट आपको होगा, ठीक है। तो पहले आप रिसर्च कर लें डॉज कॉइन को ऐड करने से पहले, तभी ऐड करें। तो आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे, बाकी चीज़ें हम टेलीग्राम पे अपडेट जो है शेयर करते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप उसको भी ज्वाइन जरूर कर लो, वहाँ भी आपको अपडेट मिलते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।